जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत, जिसमें आवास प्लस के अंतर्गत बड़ी बदलाव हो चुका है, नया नियम लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं या दोस्तों अगर आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है, तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत बड़ी बदलाव हो चुका है, नया नियम लागू कर दिया गया है। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हो चुका है और क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है 2023-24 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत बड़ी बदलाव हो चुका है, जिसे दोस्तों आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो चुका है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत क्या बदलाव कर दिया गया है 2023-24 के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा रहा है। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का ऑफलाइन आवेदन किया जा रहा है, और आपने ही दोस्तों नगर पालिका पर दोस्तों आप लोगों का ऑफलाइन आवेदन किया जा रहा है, और ऑफलाइन आवेदन करने के बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों जो भी लाभार्थियों को योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं उन सभी लाभार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के पोर्टल पर नाम को ऐड किया जाता है। इसके बाद दोस्तों उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ दिया जाता है 2023-24 के अंतर्गत। दोस्तों इसे बदलाव कर दिया गया है, नया नियम लागू कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी लोगों का किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत दूसरी बड़ी बदलाव हो चुका है, जिसमें दोस्तों बजट को लेकर, जिसमें दोस्तों 2021-22 और 2022-23 के अंतर्गत 1,70,000 रुपया आप लोगों को दिया जा रहा था, उसमें दोस्तों बड़ी बदलाव हो चुका है। 2023-24 के अंतर्गत आप लोगों को 2,50,000 रुपया दिया जाएगा। इसे दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत घोषणा कर दिया गया है, आप लोगों को 2,50,000 रुपया दिया जाएगा 2023-24 के अंतर्गत। और दोस्तों जो तीसरी बड़ी बदलाव हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों आप लोगों का अगर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा पेंडिंग में है, तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। केंद्र सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया है, आज दोपहर 12 बजे से सभी का पैसा रिलीज किया जाएगा। चाहे दोस्तों आप लोगों का पहली किस्त है, या दोस्तों दूसरी किस्त, या दोस्तों आप लोगों का तीसरी किस्त पैसा पेंडिंग में है, तो दोस्तों आप लोगों का पैसा रिलीज किया जाएगा आज दोपहर 12 बजे से। ये दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत घोषणा कर दिया गया है, ये दोस्तों नया नियम लागू कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत क्या बदलाव हो चुका है, जो कि दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, और आपने ही पंचायत कार्यालय पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों का अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड और दोस्तों बैंक पासबुक, और दोस्तों इसके साथ अपना जमीन का पेपर, ये सब दोस्तों आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगेगा। और इसके साथ दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप कर देना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को सबमिट कर देना है। इसके बाद आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप पंचायत कार्यालय पर आवेदन कर देते हैं, आवेदन करने के बाद दोस्तों आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर नाम को ऐड किया जाएगा, और इसके बाद दोस्तों अगर आप एक योग्य लाभार्थी पाए जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों का हाउस सेक्शन किया जाएगा। ये दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। और दोस्तों जो दूसरी बड़ी बदलाव हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों पहले महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है 2023-24 के अंतर्गत। इसे दोस्तों नया नियम लागू कर दिया गया है, पहले दोस्तों महिलाओं को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके बाद दोस्तों महिलाओं का कोटा फुल होने के बाद पुरुषों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ये 2023-24 के अंतर्गत लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप एक महिला है या दोस्तों आपके घर में महिला है, तो दोस्तों आप लोग जाकर फटाफट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करें। जैसे दोस्तों आप लोग आवेदन करते हैं, आप लोगों को 3 महीने के अंतर्गत पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा 2023-24 के अंतर्गत। और दोस्तों जो आखिरी बड़ी बदलाव हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, जिसमें दोस्तों अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है 2023-24 के अंतर्गत और आप लोगों का हाउस सेक्शन हो चुका है, तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बड़ी
खुशखबरी निकल कर आ चुका है, जिसमें दोस्तों पहली किस्त का पैसा रिलीज कर दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे से 2 लाख लाभार्थियों का दोस्तों पैसा रिलीज हो चुका है। 2 लाख लाभार्थियों का आज दोपहर 12 बजे से पैसा दिया जाएगा सभी के अकाउंट में। पहली किस्त का 2023-24 के अंतर्गत जो भी लाभार्थी रजिस्ट्रेशन किए हैं उन्हीं सभी लाभार्थियों को दोस्तों पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा 2023-24 के अंतर्गत। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2023-24 के अंतर्गत। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को पूरा डिटेल्स पता चल गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।